हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं मुरमुरे के लड्डू, वो लड्डू जो आपको बचपन की याद दिला देंगे। फ्रेंड्स, खाने में बहुत यम्मी होते हैं और हमने बचपन में बहुत खाए हैं, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कटोरी मुरमुरे लिए हैं और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे देसी गुड़ लिया है जो तोड़ के बारीक कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसी कटोरी के नाप से 3 कटोरी मुरमुरे लिए हैं, तो आप ये रेशो ध्यान में रखें कि 3 कटोरी मुरमुरे हैं तो 1 कटोरी गुड़ होना चाहिए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। आइए फ्रेंड्स, मुरमुरे के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें सबसे पहले मैं मुरमुरे डाल दूंगी और अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रोस्ट करने के लिए घी नहीं डाला है, हमें सिंपल इसको कढ़ाई में इस तरह से रोस्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने मुरमुरे रोस्ट कर लिए हैं, हल्का ब्राउन कलर आ गया है मुरमुरे में। अब हम इस गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी। जो हमने देसी घी यूज में लिया है वो हमने इसमें डाल दिया है गर्म होने के लिए। साथ ही हम इसमें गुड़ भी डाल देंगे, जो हमने गुड़ तोड़ा हुआ बारीक करा हुआ है वो गुड़ भी हमने इसमें डाल दिया है और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और गुड़ को पिघलने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ पिघलने लग गया है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ इसमें और डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ज्यादा गुड़ नहीं यूज में लिया है क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज्यादा मीठा नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैंने 1 ही कटोरी गुड़ लिया है। अभी हमें चाशनी तैयार करनी है। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है और उबल भी रहा है, मतलब यानी कि चाशनी तैयार हो गई है इसकी। अब हम इसको एक बाउल में पानी लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे बाउल में पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल के देख लूंगी कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी एकदम अच्छे से पानी में जम गई थी और अब हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। अभी ये खिंच रही है, इसका मतलब अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, अभी हमें इसे और पकाना है और लगातार हमें इसको इस तरह से हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे चिपकने लग जाएगी। आइए फ्रेंड्स, दोबारा से हम चेक करके देख लेते हैं। मैंने उसी बाउल में थोड़ी सी चाशनी और डाल करके देख ली है। देखिए फ्रेंड्स, अब चाशनी एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से टूट रही है, जबकि पहले हमारी चाशनी जो थी वो टूट नहीं रही थी। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और देखिए आप, इसका कलर भी कितना सुंदर आया है, क्योंकि देसी गुड़ जो होता है उसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, इसलिए हमने यहाँ पे देसी गुड़ लिया है। अब मैं इसमें रोस्ट किए हुए मुरमुरे डाल दूंगी। अब हम इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे, हमें बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है ताकि सभी मुरमुरे चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, हमें इस मटेरियल को कढ़ाई से नहीं निकालना है, ताकि कढ़ाई गर्म है तो इसमें ये चाशनी हमारी गर्म रहेगी। आइए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बाउल में पानी लिया है, मैं पानी के हाथ से लड्डू बनाऊंगी, आप चाहें तो घी का हाथ करके भी लड्डू बना सकते हैं। आइए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने हाथ को पानी में गीला कर लिया है और अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा मटेरियल इस तरह से लूंगी, क्योंकि गर्म बहुत तेज है इसलिए मैंने यहाँ पे पानी लगाया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसको शेप देनी है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा लुकिंग में लड्डू लग रहा है
और हमारा मुरमुरे का लड्डू बिल्कुल रेडी है और हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं सारे लड्डू तैयार कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी मुरमुरे के लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं और लुकिंग में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो बहुत यम्मी होते हैं। तो अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।